पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे, राजनीति एवं भावी दिशा विषय तीन दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का समापन शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में राष्ट्रीय वेबिनार सेमिनार व संगोष्ठी में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यटन, सामाजिक, कृषि, मेडिकल एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, सांस्कृतिक सहित अन्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अपने उद्बोधनों को दिया गया। इस राष्ट्रीय वेबिनार सेमिनार व संगोष्ठी को प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संबोधित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। करके बीज हम देते हैं बड़े पैमाने पर किसान इसको इसकी खेती कर रहा तो देखिए ये जो है इसकी चर्चा की गई ये दोनों साफ साफ पक रही हैं तो बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन भी इसकी नहीं है। सशक्तिकरण के दृष्टि से आर्थिक समृद्धि के दृष्टि से यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और उसका परिणाम ये आया कि उत्तर प्रदेश जो देवरिया का चुनाव हुआ देवरिया और महाराज जी की जो सभा हुई जितने पुरुष थे मैं समझता हूँ कि थोड़ा ही कम महिलाएं थी लगभग 4000 महिलाओं की भागीदारी देवरिया के चुनाव से संबंधित है। हमारे जीत का वो एक बहुत बड़ा परिणाम था। यदि हमें विधानसभा में वो भेज सकती हैं तो वो आज जो मैं कह रहा हूँ कि सीडलिंग तैयार करेंगे यदि उसमें पौधों को लगाए जाने के लिए हमने अपने ही यहाँ विश्वविद्यालय के भीतर नर्सरी बना दी है और तय किया 10 लाख पेड़ पौधे हमको देने हैं। स्वयं सहायता समूह से कॉन्ट्रैक्ट किया और काम करके उनको एक एग्रीमेंट बनाया कि आप इतना जो है वो पौधे लगाएंगे हम आपको इतना रुपया आपको खर्चा देंगे जो रीजनेबल खर्चा है। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश का एक जो नानाजी देशमुख का KVK है लगभग जो है वो 100 महिलाओं को जोड़े हुए है और उनकी आमदनी 5000 रुपया लगभग पर माह सिर्फ जो है पौधों के लगाए जाने को लगा के वो तैयार करती है वो बेचते हैं और जो उसकी प्रॉफिट आती है उनकी जो सब मजदूरी होती है उसी में से दे देते हैं। तो जो वहां वनीकरण का या सब्जियों के या फूलों के काम बढ़ रहा है उसके पीछे महिलाओं की भूमिका है। उस भूमिका को हम अपने यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं। तो अब ये जो अभी तक तो पर्सनल लाइसेंस होते थे राशन चलाने की दुकानों का उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने लागू कर दिया है कि अब जितने दुकान निरस्त होंगे वो महिला स्वयं सहायता समूहों को देंगे और महिला स्वयं सहायता समूह को देते हैं तो व्यवसाय का हुनर भी उनको आने वाला है और इसके माध्यम से भी उनकी आमदनी बढ़ने वाली है। तो यह हम यदि सहभागिता करते हैं तो यह एक बदलाव आएगा। अब बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र के भीतर बदलाव के लिए जरूरी था कि हम प्रतिस्पर्धा खड़ा करें। गुणवत्ता अभी जितना पूरे दुनिया को मार्केट फोर्स जो है कंट्रोल करती है आप कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन का जो मनमाना है यदि आप रेट तय कर देंगे तो मनमाना रेट पर आपका आपका माल नहीं मिलने वाला। हर देश कंपटीशन करते हैं कि आपका माल कितना। चाइना ने पूरे दुनिया को क्यों पकड़ लिया इसलिए उसका सस्ता माल था तो लोगों को चाहिए सस्ता और हम देंगे यदि महंगा तो कौन लेगा। यदि हमको चावल का एक्सपोर्ट किया जाना है यदि हमें गेहूं का एक्सपोर्ट किया जाना है तो हमको क्वालिटी का भी सुधार करना होगा और साथ साथ में रीजनेबल रेट भी रखने होंगे। सरकार तो MSP पर खरीदारी इसलिए करती है कि प्राइस क्रैश न होने पावे मार्केट एक लेवल पर जाकर के बना रहे इसके लिए सरकार खरीदारी करती है आगे भी करती रहेगी ये प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है। लेकिन हम अपने माल को पूरे दुनिया के भीतर बेच सके या देश के भीतर बेच सके यदि आलू की कीमत नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा मिल रही है तो कौन किसान चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में बेचे बोले जाकर के नॉर्थ ईस्ट में बेचेगा। आज इंटरनेट के माध्यम से ई मार्केट के माध्यम से फैसिलिटी एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से जहां उनको अच्छी कीमत मिलेगी वहीं पर जो है उनको बेचने से उनके आर्थिक रूप से बदलाव होगा और आमदनी दुगुना किए जाने की दिशा में पहल होंगे। MSP पर कितने लोग खरीदारी मुश्किल से 7 से 8% लोगों का 80% किसान की MSP पर खरीदारी नहीं होती है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर जहां पर सीमांत और लघु किसान है उत्तर प्रदेश में 69 हेक्टेयर के करीब जो है खेती है एक हेक्टेयर से भी छोटी जो है एक एकड़ के करीब और पूरी उत्तर प्रदेश में वो
भी लगभग 47.47 हेक्टेयर के करीब है, तो अपने और अपने परिवार के खाने से तो ज्यादा उनको पैदा ही नहीं हो पाता, तो वो वहां पर पहुंच नहीं पाते। अब इसके लिए कैसे वो खेती को करें जिससे उनकी खेती लाभकारी हो सके। एक किसान ने ट्रैक्टर खरीद लिया, 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदा, उसका ब्याज भरते भरते बेचारे को जोतने के लिए जगह नहीं मिलती है। यदि हमने सामूहिक रूप से खरीदा तो लोड भी 10 लोगों ने मिलकर के खरीदा, 1-1 लाख रुपए उनके ऊपर पड़े, 10,000 रुपए सिक्योरिटी जमा किया, 90,000 रुपए का ऋण लिया, तो हम उसके माध्यम से वो ट्रैक्टर का समय से अदायगी और पेमेंट कर देंगे, लोड उनके ऊपर नहीं होगा। तो यदि इसके लिए हम प्लेटफॉर्म दे रहे, सुधार कर रहे हैं, तो उन्हें न जाने किस बात की तकलीफ है। मंडी के भीतर जो है, अभी तक सिर्फ आप अपना सारा सामान मंडी के भीतर बेच सकते थे, मंडी के बाहर यदि आप बेचेंगे तो आपको टैक्स लगता था मंडी का। मोदी जी की सरकार ने यह कह दिया कि मंडी ये चुकी है पीएमसी एक्ट के भीतर, जो अभी तक की मंडियां है वो राज्य सरकार की है, तो बिना राज्य सरकार के अधिकारिता में हस्ताक्षेप किए हुए उन्होंने कहा कि बाहर की जो मंडियां होंगी, बाहर की मंडियों पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा। हमारे प्रदेश के भीतर 2.5% 2% मंडी शुल्क लगता है, 0.5% शेष लगता है, पंजाब में 4% मंडी शुल्क लगता है, और उनका भी कुछ शेष उसके ऊपर है, 4.5% उनका बैठता है। अब वो छटपटा उनको है कि ये तो हो गया। अब इसमें जो राज्य का एक अधिकार था कि आढ़तियों के माध्यम से जो खरीदारी करते थे और उनको 5% 6% कमीशन देते थे और बंदर बांट होती थी, एमएसपी का पूरा पैसा किसान नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के भीतर खरीदारी करते हैं, सरकारी एजेंसी के माध्यम से खरीदारी करते हैं, और 3-4 दिन के भीतर किसान के खाते में उसका पैसा सीधे भेज देते। तो यह और हमने भी उस अमरूद की कीमत 50-60 रुपये किसान को पास कर दिया, तो उससे समृद्धि आएगी कि उनको परंपरागत ढंग से जो इंटेलिजेंस उनको दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको मालूम हो कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया को किस तरीके की फसल की या किस क्रॉप्स की जरूरत है, वो क्रॉप्स हमारे इंसान पैदा कर सके। तो यदि नहीं आएंगे इनकी क्षेत्र के लोग, और इसमें इसकी खेती की कहीं पर बंधक होने की बात नहीं है, न उनको बैनामा करने की फसल, यदि हमने तय किया कि हम 5 साल तक अमरूद की फसल लगाएंगे पला खेत में, या 10 साल तक के लिए अमरूद या फलों के करेंगे, तो उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन हम आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से आपका अमरूद खरीद लेंगे, तो क्या उसको क्या नुकसान है। इसी तरीके से यदि हमने तय किया कि हमको तुलसी की खेती करानी है, आज जिस तरीके से ग्रीन टी हर्बल टी आदि चले हैं, तो दुनिया बदल रही है, बदलते दुनिया के लिए ये कानून जो है किसान आवश्यक है, जिसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा था कि किसान की आमदनी दोगुना किया जा सके, उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर प्रधानमंत्री महोदय के सहयोग से प्रयास हुए हैं, उनके ने हमारे राज्य के भीतर 2,30,00,000 किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान का प्रश्न पहुंचा है। 22,416 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने 2019 मार्च में यहीं पर फर्टिलाइजर के भीतर इस योजना की शुरुआत की है। आज 2020 पूरा हो गया है, 21 आने वाला है, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 2-3 महीने कम है, और 2,32,00,000 में से 22,416 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में पैसे थे, और पूरी उत्तर प्रदेश का 28 जिले जिसका सेमिनार आप आयोजित कर रहे हैं, 1,04,00,000 किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, 8,930 करोड़ रुपए पूरा गन्ना साल भर लगा दीजिए गोरखपुर मंडल में, तो 8,930 करोड़ रुपए नहीं मिलता था किसान को, आज मोदी जी की सरकार उसको आपके घर पर पहुंचा रही है, इससे बड़ा आर्थिक बदलाव क्या हो सकता है।